बिजी लाइफ स्टाइल में अपने आप को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है और खान पान अच्छा न होने के चलते लोग अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। सबसे बड़ी समस्या पेट से संबंधित रोगों की होने लगी है, लेकिन अगर कुछ नियम अपनाए जाएं तो हम अपने पेट की बीमारियों सहित अन्य बीमारियों को भी अपने से दूर रख सकते हैं। इसके लिए डॉक्टरों ने अच्छा उपाय बताया है। मात्र कुछ ही दिनों के उपाय में आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी और आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी ने बताया कि अलसी एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसे हम नियमित इस्तेमाल से अपने पेट को दुरुस्त रख सकते हैं और पाचन शक्ति को दुरुस्त बना सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि अधिकतर मामले में पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं। पेट में विभिन्न तरह की बीमारियां होने से आदमी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे बीमारियां उसको चपेट में लेने लगती हैं। लेकिन अलसी एक अचूक आयुर्वेद का वरदान है जिससे आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। आप अलसी को सूखा चबाकर खा सकते हैं, लड्डू बनाकर खा सकते हैं या फिर अन्य चीजों में इस्तेमाल कर सेवन कर सकते हैं। अलसी में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। यह तत्व डायबिटीज, पेट संबंधित समस्या व अन्य गंभीर रोगों में अधिक काम करता है। पेट की बीमारी और डायबिटीज में होने वाली गंभीर समस्याओं से अलसी बचाता है। अलसी के पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसका सेवन लाभकारी है। डॉक्टर नाम जानना चाहूंगा जी। नाम डॉक्टर राघवेंद्र जी। अलसी के क्या क्या फायदे और किस प्रकार से उपयोग में लेकर सकते हैं? अलसी का मुख्य फायदा कब्ज को दूर करने में होता है। उसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो डायबिटीज़ में और कैंसर में और दूसरे विभिन्न रोगों में स्किन डिजीज में अच्छा काम करते हैं और किसी स्किन डिजीज से, कैंसर से और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं। इसका उपयोग आप रोटी में मिला के खा सकते हैं, इसके लड्डू बना के खा सकते हैं। उसके अलावा अलसी के तेल का उपयोग भी किया जा सकता है। और इसके अलावा बात यह है कि इसके उपयोग किस किस को आदमी को नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग मुख्यतः प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण प्रेगनेंसी को नुकसान पहुँचा सकता है।